हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद द चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जितने भी सीडीएस एनडीए की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे, उनको शेयर करिए ये, ठीक है। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए एसएससी का फेवरेट है एलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी हमेशा एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको कुछ शॉर्टकट्स पता हो, इफ़ यू नो सम शॉर्टकट्स अबाउट एसएससी सीजीएल, ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड करनी वैल्यू x की पावर 24 माइनस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 माइनस x की पावर 6 प्लस 1। तो हमें ये x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर आप ये पहली बार क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो देखिए आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि पावर सारी 6 के मल्टीपल में है। 6 4 24, 6 3 18, 6 2 12, 6 1 6। मैं पहले से सॉल्व करके रखता हूँ ये क्वेश्चन ताकि मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। देखिए x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको x पहले आप ना पॉज करिए वीडियो और उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, अगर फिर आप अपना आंसर मैच करिएगा, ठीक है। और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो ऑब्वियसली देखिएगा। तो हमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ प्लस 2 कर दो तो प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और इधर बन जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अच्छा आप इसको सॉल्व कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने निकाला, इसकी वैल्यू 0 आएगी, आप करके देख लेना। तो देखो हमें अब अगर देखो प्लस 1 एक्स क्यूब उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, समझ में आ रही बात। और एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 कितना जाएगा, एक्स की पावर 6, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ रही है, तो हमें याद रखना है कि अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 3 है तो एक्स की पावर 6 माइनस 1 होता है। हमें इतना लंबा काम नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, ओके। तो देखिए कुछ शॉर्टकट से मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करता है अपने, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल काफ़ी रिपीट करते हैं। इसलिए अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स की इज इक्वल टू रूट थ्री है तो एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, और मैंने आपको प्रूफ करना सिखाई दिया है। अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर 24 माइनस एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1, ठीक है। तो देखो 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, 6 इंटू 3, सबको 6 में कन्वर्ट कर लो और एक्स की पावर 6 की वैल्यू रख दो माइनस 1। तो माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखो पावर जहाँ पे ऑड है वहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर आएगा 4। अगर जिन्होंने पॉज किया वीडियो प्लीज़ अपना आंसर ज़रूर चेक करें, ठीक है, ओके। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं और भी वीडियोज़ बनाऊंगा एलजेब्रा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि अप्लाई कैसे हो रही है वो चीज़, रादर देन कॉन्सेप्ट भी बताता हूं साथ में, ओके।